हेलो और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोहनदास स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। सो मोहनदास इंफोसिस एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं। सो उनका कहना यह है कि यार फ्रेशर्स को ह्यूमंस की तरह ट्रीट करिए, कोई तुच्छ आदमी छोटा आदमी मिजेट मतलब तुच्छ या छोटा आदमी की तरह उनको मत समझिए, क्योंकि 2008-09 में जो फ्रेशर्स को सैलरी मिल रही है आज 2022 में वही सैलरी मिल रही है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। सो मोहनदास पाई जी के रिगार्डिंग, सो जो अभी अभी आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा स्विच कर रहे हैं लोग या हाइक पाने के लिए, इतना ज़्यादा यू नो एट्रिशन रेट है आईटी फील्ड में, एक तो वही सबसे बड़ा जिम्मेदार है। सो दूसरा चीज़ इन्होंने ये बोला कोई ऑफिस जाना नहीं चाहता, एक वो रीज़न है। और तीसरी बात वो मून लाइटिंग जो अभी कंट्रोवर्सियल टॉपिक बना हुआ है, जो रिशभ प्रेम जी ने बोला है कि मून लाइटिंग कर रहे हैं जो आईटी में काम करने वाले हैं वो दो दो जॉब्स कर रहे हैं। सो ये भी एक कंट्रोवर्सियल टॉपिक था। सो एक डॉलर को अगर हम कन्वर्ट करते 2008 और 9 में तो 48 के अराउंड रुपीस के आता है। अभी जो डॉलर का रेट देखेंगे आप 79 टच कर गया था या उसके अराउंड ही है। यहाँ पे समझ सकते हैं एक चीज यार कि पहले जो डॉलर का वैल्यू था वो 48 रुपीस था। जो बिग एमएनसीज और उनके क्लाइंट्स बाहर के होते हैं सो वो डॉलर में पैसे पे करते हैं। सो अगर जब पहले एक डॉलर 48 रुपीस उनको मिलते थे, आज की डेट में अगर देखा जाए तो उनको लगभग 80-75 रुपए के ऊपर ही रुपए मिलते हैं एक डॉलर के। सो जबकि 2008 में वही सैलरी पे करते थे वो लोग, और आज के टाइम पे भी फ्रेशर्स को लगभग वही, उनका मानना यही है कि अभी भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है फ्रेशर्स को। सो ये आर्टिकल का एकदम ब्रीफ है, जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आर्टिकल का, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट्स और उन्होंने दे रखी है। बट मैंने ब्रीफ में बता दिया, क्लियरली एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि हाँ क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोली थी और क्या क्या है। सो आप देख सकते हैं कि सच में एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा है फ्रेशर्स को। अभी ये ट्रेंड चल चुका है कि अगर वेरिएबल पे कट कर रहे हो लोग, जैसे कि विप्रो की बात कर ली जाए 70% ही वेरिएबल पे मिलेगा, इन्फोसिस में भी 70% ही मिलेगा, और जो सीनियर लेवल है उनको कट किया जा रहा है उनके आप यू नो वेरिएबल पे को, तो कहीं ना कहीं कंपनी तो एक्सप्लॉइट पहले भी करती। लेकिन हाँ कोई बंदा ऐसा आया जो इन्फोसिस के एक्स डायरेक्टर है मोहनदास पाई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है यार। कोई जो एक्स काफ़ी अच्छे पोजीशन पे काम कर रखा किसी एमएनसीज में, वो आके यहाँ पे बात कर रहा है खुल के ओपनली, हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज उन्होंने जो ये टॉपिक उठाया है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो जरूर ही पड़ेगा। बट देखते हैं कितना क्या होता है। सो अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।